J7 और इसका जो FRP लग चुका है देख सकते हैं, गूगल पे नहीं खुल रहा है तो अब लाइव प्रूफ में आपको खोल के दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे, आपका ये J7 फ़ोन है या J5 J7 Next है तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर FRP आ गया या गूगल बाईपास लॉक हो गया तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और आपका जो वी मोबाइल है वो अनलॉक करके दिखाएंगे लाइव प्रूफ। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी फ़ोन देख सकते हैं अपना, तो मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं है इसलिए मैं चार्ज में डाल के आपको दिखा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस देख सकते हैं ये जो लैंग्वेज है उसको स्टार्ट बटन में क्लिक किया तो देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट बटन नहीं हो रहा है क्योंकि हाइट हो गया है, ये पूछ रहा है। अपन क्या करेंगे, एक वाईफाई डाल देंगे जो कि मेरा कुछ देख सकते हैं, मेरे पास दूसरा एक फ़ोन है तो इसका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद आपको कनेक्ट कर लेना है, तो मेरा वाईफाई का पासवर्ड डाल के मैं जो है कनेक्ट कर देता हूँ वाईफाई। देख सकते हो वाईफाई जो है कनेक्ट हो गया है। और नेक्स्ट बटन में अभी क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अभी नेक्स्ट में जा रहा है। तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट करने का दोबारा, तो देख सकते हैं अपना जो है ये ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, तो ईमेल आईडी अपन को मालूम नहीं। और कुछ भी अपन ने टाइप किया और उसके बाद अपन देख सकते हैं कुछ ये बटन इसमें प्रेस किया, फिर ये आगे का प्रोसेस नहीं ले रहे देख सकते हैं आप लाइव प्रूफ, यानी कि अपन ने कुछ इस तरीके से देख के ट्राई किया है। तो आप उनको क्या करने का, अभी आपको बैग लेने का और या ए वाईफाई वाला इसमें आ गया और आपको नीचे आने का, नीचे नहीं सॉरी यार, ये मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करने का, ऐड ऑन नेटवर्क इसमें क्लिक करने का और आपको कुछ भी लिख देने का और लिखने के बाद आपको प्रेस करके रखने का तो कुछ इस तरीके का आएगा देख सकते हैं। तो आप उनको क्या ये गूगल वाला आइकन जो है इसमें क्लिक कर देने का और आपका जो गूगल है वो ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी नो थैंक्स में क्लिक ही दिया और उसके बाद अपन जो है सेटिंग सर्च करेंगे क्योंकि इसका जो वर्जन है वो वर्जन कौन सा है वो देखेंगे। देख सकते हैं AC डाला तो सेटिंग ऑलरेडी आ गया है। अपन क्या करेंगे, सबसे नीचे आके अबाउट डिवाइस में क्लिक करने का, उसमें आपको ये सॉफ्टवेयर इन्फो में क्लिक करने का और इसका जो वर्जन है देख सकते हैं 6.0.1, तो अपन जो है वो वर्जन चेक कर लिया। अभी आपको क्या करने का, बैक आने का, बैक में आ गया। अभी इसी को दोबारा प्रेस करके आपको दोबारा ये गूगल जो है ओपन कर लेने का और इसमें आपको क्रोम लिखना है, क्रोम को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं सील लिखा है वो क्रोम आ गया, तो क्रोम में क्लिक करने का और उसके बाद नो थैंक्स में क्लिक कर देने का। और अभी जो आपको इसमें लिखना है गूगल अकाउंट जो है, गूगल अकाउंट मैनेजर, देख सकते हैं ये जो टाइप किया और गूगल अकाउंट मैनेजर और ये जो वर्जन है देख सकते हैं ये आ चुका है वर्जन, तो अपन इसमें क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको ये जो इसमें क्लिक कर देने का और आपको इस ऐप को डाउनलोड करना था, इसमें देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो अपन क्या करेंगे नीचे वाले में जाएंगे और देख सकते हैं ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसको क्या करने का, डाउनलोड करने का। और अलाउ कर देने का परमिशन, देख सकते हैं ये जो ऐप है ये डाउनलोड हो रहे हैं तो आपको क्या करने का, ओके कर देने का। तो आपका जो है ऐप है देख सकते हैं ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यानी कि ये जो ऐप है ये डाउनलोड हो गया है। अभी आपको क्या करने का, क्विक शॉट बोल के एक एप्लीकेशन है वो उस ऐप को आपको डाउनलोड करने का। तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली जो ये है सर्च करने का ऑप्शन है उसमें क्यू, आपको स्पेलिंग के साथ QUICKSKS
एच ओ देख सकते हैं ये जो टाइप किया है, और उसके बाद देख सकते हैं ये जो आ गए ऑलरेडी इसमें। अभी आप उनको क्या करने का पड़ेगा, इसमें जो है कोई भी एक साइट में जाके इसको डाउनलोड करने का। तो देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक किया, दोबारा डाउनलोड में क्लिक किया और आप उनको ओके कर देने का। देख सकते हैं ये जो है ओपन हो गया, और ओपन के ऑप्शन में जाके ओपन कर लेने का, और आपका जो दोनों एप्लीकेशन देख सकते हैं डाउनलोड हो गए। अब क्या करने का, आपको सबसे पहले तो आपको ये जो गूगल अकाउंट मैनेजर इसमें इसको इंस्टॉल करने का, यानी कि ओपन कर लेने का। देख सकते हैं मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो इस तरीके से आपको जो जो दिखा रहा है इस तरीके से आपको ओपन कर लेने का। देख सकते हैं आ गया, अभी इसको क्या करने का, डन कर देने का, और उसके बाद आपको ये क्विक सर्च वाला एप्लीकेशन जो है इसको इंस्टॉल करने का। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया, तो आपको क्या करने का, अभी इसको ओपन कर लेने का। ओपन कर दिया, अभी आपको ये लोड हो रहे हैं, एक 5 सेकेंड वेट करने का, लोड हो गया। अभी नीचे आने का आपको, तो देख सकते इधर लिखा है गूगल अकाउंट मैनेजर, इसमें क्लिक कर देने का। और इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये जो ये दिखा रहा है इसमें क्लिक कर देने का, और इसमें क्लिक करने का, और कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको इसमें ऊपर में 3 डॉट में क्लिक करने का, और इसमें ब्राउज़र साइनिंग में आके क्लिक कर देने का। तो देख सकते कुछ इस तरीके से आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इधर कोई भी आपका मोबाइल का एक ईमेल आईडी चाहिए जो कि इसको साइनिंग कर सकता है। तो अपना जो एक मोबाइल का जो ईमेल आईडी आपका जो जिसी का भी है, दूसरा फोन का भी ईमेल आईडी, इसमें सर्च यानी कि एक्टिवेट करने का, ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल देने का। तो सिंपली मैं एक मेरा फ़ोन में जो ईमेल आईडी है वो आपको दिखाएंगे अभी डाल के, ठीक है। अभी मैं ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो आपको ईमेल आईडी कैसे निकालने का देख सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो दूसरा मेरे पास एक है फ़ोन, और इसका जो प्ले स्टोर है वो ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं 3 डॉट में क्लिक किया, इसका ये जो मेल है, तो मेल अभी देख के आप टाइप कर देते हैं। देख सकते हैं टाइप कर दिया, और एड्रेस जैसे जैसा है उस तरीके से आपको डालने का, और बराबर पासवर्ड डालेगा तो ही ये जो है ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये अपन जो ईमेल आईडी अपन मेरा ये फ़ोन का डाल दिया, अभी क्या करने का आपको नेक्स्ट कर देने का। और इसका जो पासवर्ड है तो अपन डाला था जो, पासवर्ड डाल दिया। तो देख सकते अपना जो है साइनिंग हो रहा है, और साइनिंग होने के बाद देख सकते हैं ये जो है फ़ोन ये ऑटोमेटिक ही बैक ले लिया। अभी आपको क्या करने का, सिंपली बैक आ जाने का, सब कट कर देने का। आ गया पूरा, अभी क्या करने का आपको नेक्स्ट करने का, दोबारा नेक्स्ट करने का, और लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोबारा नेक्स्ट, और आपका जो है लॉक अनलॉक हो जाएगा। देख सकते हैं अभी आगे का प्रोसेस और भी दिखा रहे हैं नेक्स्ट। और आपको वेट करने का, यानी कि ये जो ये चेकिंग चल रहा है ये जस्ट, तो कुछ नहीं करने का, वीडियो पे बने रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। अभी चार्ज थोड़ा बहुत हो गया, तो अभी निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं अभी नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो दोबारा नेक्स्ट करने का आपको।
और नॉट नाउ में क्लिक करने का, और ये जो पासवर्ड का टिक है वो उसको अनटिक कर देने का, स्किप कर देने का, दोबारा स्किप करने का। और आपको नीचे ये जो तीर वाला आइकन है इसमें क्लिक करने का और स्किप में क्लिक कर देने का, दोबारा स्किप, दोबारा तीर वाला आइकन में क्लिक करने का और एक बार नेक्स्ट कर देने का, इसमें क्लिक करने का और आपको इसमें यस कर देने और फिनिश में क्लिक कर देने। तो देख सकते हैं दोस्तों अपना जो है फ़ोन बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से फ़ोन जो है अपना ऑन हो चुका है। आप उनको दिखाएंगे, अभी देख सकते हैं खुल गया मोबाइल। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था इसको अनइंस्टॉल कर देने का, ठीक है, इसका अभी काम नहीं है तो आपको अनइंस्टॉल कर देने का, हो गया देख सकते हैं। और आपको ये बटन पकड़ के लॉक है या नहीं वो भी दिखाएंगे, देख सकते खुल गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपका घर पे बैठ के ये वीडियो, मेरा ये जो वीडियो देख के ही फ़ोन को अनलॉक कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए अभी चलते, दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।